सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े में से एक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद को लेकर भी अब विवाद हो गया है। हाल ही में निरंजनी अखाड़े ने अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलासानंद ब्रह्मचारी को निरंजनी अखाड़े में शामिल कर उन्हें अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन उनका पट्टाभिषेक किया जाना है। हरिद्वार पहुंचे स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार बीती 13 मार्च 2019 को वाराणसी में उन्हें निरंजनी अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, जिसके साक्षी कई दिग्गज संत बने थे। नियमित अखाड़े के इस सर्वोच्च पद पर एक ही व्यक्ति विराजमान होता है, लिहाजा निरंजनी अखाड़े के इस पद पर वे किसी भी विवादित संत को नहीं बैठने देंगे और इसके लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। स्वामी प्रज्ञानंद ने हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में पत्रकार वार्ता करते हुए स्वामी कैलाशानंद पर कई गंभीर आरोप लगाए। श्री निरंजनी अखाड़े की ये आचार्य पीठ धर्म के प्रचार के लिए नहीं है, विनिमय के लिए नहीं है। मैं एक अपात्र व्यक्ति को किसी भी स्थिति में मैं ही स्वीकार नहीं करूंगा, कोई समाज का कोई व्यक्ति भी स्वीकार नहीं करेगा। जो भूमाफिया है, चरित्रहीन है, ऐसे व्यक्ति को निरंजनी अखाड़े की पवित्र गादी पर बैठाया नहीं जा सकता। मैं न्यायालय की शरण में जा रहा हूं, न्यायालय ने मैं न्यायालय से गुहार लगाऊंगा कि ऐसी जो अवैधानिक कार्य हो रहे हैं, नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। जो हम पर तरह तरह से और हमको धमकियां दी जा रही हैं, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम सत्य को प्रकट करने वाले व्यक्ति हैं और हम ऐसे अनैतिक कार्य को होने नहीं देंगे कि निरंजनी अखाड़े की गद्दी पर कोई अधम व्यक्ति जाकर के बैठे। धमकियां हमको इलाहाबाद में, हम जब निकल रहे थे तब वहां पर हमको मिली, दूसरा हम वृंदावन से जब निकल रहे थे तब हमको मिली। हमने भेजा है वहां पर मुख्यमंत्री को, डीजीपी को भी भेजा है, यहाँ के मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी भेजा है। तो वह उन आचार्यों का, धर्माचार्यों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने हमारा आचार्य पद में पट्टाभिषेक किया था। उन्होंने ही कार्ड छपवाया था, उन्होंने ही बड़ा मंच लगवाया था, उस मंच पर ही पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ था आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में, पट्टाभिषेक के रूप में वहाँ लिखा हुआ था। आचार्य पीठ को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, हम आचार्य पीठ को बिकने नहीं देंगे, क्योंकि आचार्य पीठ बहुत माननीय पीठ है। जो सत्य है वो सत्य है, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शंकराचार्य पद पर आसीन होने के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। शंकराचार्य पद पर 50 वर्ष पूरे होने पर शंकराचार्य के शिष्य इसे उत्सव रूप में मना रहे हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में स्वर्ण ज्योति महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 50 विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान अध्यात्म, शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश भर में सभी राज्यों में 50 स्वर्ण ज्योति महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। अंत में एक केंद्रीय कार्यक्रम भी आयोजित होगा। लोगों को स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम होता है। ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे हैं, इस समय देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त होने के 50 साल पूरे होने वाले हैं और इसी उपलक्ष्य में उनके शिष्यों भक्तों के द्वारा देश भर में 50 जगहों पर स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका द्वितीय उत्सव आज हरिद्वार के श्री शंकराचार्य मठ कनखल में संपन्न हुआ है। 50 ऐसे लोगों को जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में धर्म और समाज के लिए कार्य किया है, उनका सम्मान करके आज हम लोग बहुत ही आह्लादित हैं। यह कार्यक्रम, जैसा कि हमने पहले बताया, पूरे देश में 50 स्थानों पर किसी सभी प्रदेशों में आयोजित होगा। इसके बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की जो कुंभ मेला 2021 में आने वाले साधु संतों व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीठ के कार्यकर्ता और संत मौजूद रहे। बैठक में कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधा, भोजन, शाही स्नान और शोभा यात्रा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में श्री गुरु रविदास विश्वपीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रविदास आचार्य सुरेश राठौर ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, पंडाल, शाही स्नान में भाग और पीठ की शोभा यात्रा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया
कि श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के श्रद्धालु बीते कुंभ में बड़ी संख्या में पहुंचे थे और इस बार होने वाले 2021 के कुंभ में देश विदेश से गुरु रविदास समाज के अनुयायी कई लाख की संख्या में पहुंचेंगे। है कि हम यहाँ पर पूरे आने वाले लोगों की चिंता करेंगे, यहाँ पर जो हमारे टेंट लगेंगे, जो पंडाल बनेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पर पूजन होगा और शाही स्नान में हमारा समाज भी भाग लेगा। और कुंभ मेले के द्वारा जो पिछली बार सुख सुविधाएँ रविदास अखाड़े को मिली थी, रविदास पीठ को मिली थी, वो सुख सुविधाएँ इसको मिलनी चाहिए और इनको विशेष स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग लाखों की संख्या में आने वाले हैं और लाखों की संख्या के लिए जो उपयुक्त स्थान होगा उसके लिए काफ़ी स्थान हमें चाहिए। तो वो स्थान जो हमने उनसे मांग रखा, वो स्थान जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा कुंभ का पर्व जो है वो संपन्न नहीं होगा। वहीं महापीठ के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन प्रधान ने बताया कि हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में महापीठ के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला अधिकारी को पत्र दिया गया है कि कुंभ में उनकी पीठ के लिए जल्द से जल्द टेंट लगाने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाए। आज की जो बैठक का जो हमारा आयोजन है वो ये है कि हम इसमें शाही स्नान काफ़ी अपनी भीड़ कर सकें और जो हमारा अखाड़ा लगेगा उसके लिए भूमि आवंटन की तो अध्यक्ष जी ने वहाँ उसकी एप्लीकेशन दे चुके हैं और हमें वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले और उसका फिर हम कुंभ के मेले की तैयारी करें। हरिद्वार में कुंभ मेला मार्च में होना है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, मगर कोरोना संक्रमण के चलते कुंभ के स्वरूप को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। दूसरी ओर एक और विवाद कुंभ के लिए खड़ा हो गया है। सरकार द्वारा कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है, जिसका विरोध अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने किया है। उनका कहना है कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग कुंभ में आते हैं, वैसे भी हम ईश्वरीय निमंत्रण दे रहे हैं, तो कुंभ में आने वाला भगवान हुआ और क्या भगवान लाइन में खड़े होंगे। नरेंद्र गिरी ने कहा कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन किया जाना असंभव है। रजिस्ट्रेशन की वो संभव है, आने वाले श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन कराने की बात आ रही है वो हो नहीं पाएगा। करोड़ों लोग आएंगे, आप कहाँ कराते रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति आएगा, आपने ये कहा है भेज रहे हैं ईश्वरीय निमंत्रण, हम भी भेज रहे हैं निमंत्रण, जिसको हम निमंत्रण भेजते हैं वो भगवान स्वरूप होता है, तो आने वाला श्रद्धालु हमारे लिए भगवान है। अब उसको हम लाइन थोड़ी खड़ा करेंगे, आए दर्शन करे, दर्शन करके अपना जाए स्नान करे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो लोग एक भय हवा बना दिए हैं कि एक टेंट में कोरोना आ जाएगा सबको हो जाए, क्यों हो जाएगा भाई, ऐसा सब गलत बात है ये, इसको भ्रम न फैलाया जाए। हम फिर कह रहे हैं, हम तो आज 6 महीने से ही कह रहा हूँ कि मेला सकुशल संपन्न कराने का दायित्व उत्तराखंड सरकार के उनके अधिकारियों का है। वहीं इस मामले में उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि रजिस्ट्रेशन को जनरल नहीं किया गया, सिर्फ कुंभ स्नान पर किया गया है। जब कुंभ का प्रमुख स्नान होगा सिर्फ उसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। नहीं, ये जनरल नहीं किया, कुंभ स्नान पर किया खाली, ये ऐसा नहीं किया कि रोज के लिए रहेगा। जब कुंभ का प्रमुख पर्व होगा उसके लिए किया, क्योंकि वो हाईकोर्ट ने मांगा है कि कोरोना से बचाव के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो शायद वहाँ भी लिख के देना जरूरी है। इस मामले में कुंभ मेला IG संजय गुंजाल का कहना है कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी एंट्री पॉइंट हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें पहले से ही रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है। रजिस्ट्रेशन के संबंध में मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी स्टेट के जितने भी एंट्री पॉइंट है और जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पहले से चली आ रही है और रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कोई नई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि हर जनपद में अगर आप देखेंगे स्मार्ट सिटी पोर्टल में जो भी व्यक्ति स्टेट की बाउंड्री में या इंटरस्टेट एंट्री कर रहे हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाना ऑलरेडी पहले से एडवाइजरी है और रजिस्ट्रेशन हेतु पहले से भी अपील किया गया, इसी क्रम में दोबारा अपील किया जाना है। पौड़ी में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला एक बार फिर सामने आया है। यहाँ पर एक नेपाली मूल के परिवार ने कोतवाली में तहरीर दी है कि पौड़ी में रह रहे नेपाली मूल के 2 युवकों द्वारा उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनकी बेटी घर में अकेली थी, जिस दौरान इन दोनों के द्वारा
उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अन्य जगह ले जाया गया, जहां पर इन दोनों युवकों द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद घर पर पहुंचने पर उनकी बेटी द्वारा इस घटना की जानकारी उनको दी गई, जिसके बाद परिवार ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पूरी घटना के मामले में कोतवाल विनोद गुसाई ने बताया कि उनकी तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर विधिक कार्रवाई करते हुए इन्हें अब न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसे किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के बाद बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। पुराने पौड़ी गांव में नेपाली मूल का एक परिवार रहता है, जिनकी नाबालिग बेटी है। तो उनकी माता की तरफ से जो मुकदमा लिखाया गया था रात में, जिसमें उन्होंने दो व्यक्तियों पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में हमारे यहाँ धारा 376 3/4 पॉक्सो एक्ट और 506 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है, और इसमें जो आरोपी हैं उनमें एक नाबालिग है, तो उनको माननीय न्यायालय में और किशोर बोर्ड में पेश किया जाएगा। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। नगर निगम रुड़की मेयर गौरव गोयल एक बार फिर से विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके यहाँ कुछ दिन पहले तक काम करने वाले एक कर्मचारी की पत्नी ने मेयर पर अपने साथ अश्लील हरकत करने और एक दिन के लिए देहरादून चलने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उनके पति जेल में थे, जिसकी जमानत करवाने की एवज में मेयर ने उनका हाथ पकड़ लिया और फिर उनके शरीर को गलत तरीके से छूने लगा, जिसके बाद महिला ने मेयर के खिलाफ गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने महिला की तहरीर को रिसीव कर एक कॉपी महिला को दे दी है और जांच शुरू कर दी है। मेयर साहब ने मेरे हस्बैंड की 15 मिनट से सैलरी नहीं दी थी, तो मैं उन्होंने बुलवाया तो मैं इनको बुलवाया तो मैंने इनको अकेले जाने नहीं दिया, तो मैंने सोचा मैं इनके साथ गई, मम्मी भी गई, तो उन लोगों ने जैसे ही हम अंदर गए, मेयर साहब और क्या नाम आलोक और क्या नाम बड़े भैया राकेश, उन्होंने इनके साथ बहुत मारपीट हाथापाई की। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं सुना, तो फिर और फिर इनको झूठे केस में जेल भिजवा दिया, पुलिस बुलाई जेल भिजवा दिया और वहाँ भी बहुत टॉर्चर करवाया। मेयर साहब ने एक आदमी को भेजा था 25 तारीख को मिलने के लिए, तो मैं मिलने के लिए अपनी सास के साथ गई, तो उन्होंने क्या किया मेरी सासू माँ को तो बाहर भेज दिया कि मुझे मीनाक्षी से ज़रा बात करनी है। तो मैं बड़े विश्वास से कि हाँ भाई भैया हैं, बड़े विश्वास से, मुझे सोच नहीं सकती थी कि एक प्रतिनिधि ऐसी हरकत भी कर सकता है कि अगर चाहते हो नीरज की जमानत हो तो जो जैसा मैं कहूँगा वैसे करना, और मेरे साथ एक दिन के लिए देहरादून चलो। और पहले तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मेरे शरीर को इधर उधर छूने लगे, जैसे तैसे बाहर निकल छुड़वा कर खुद को, उनको सजा मिलनी चाहिए उनके लिए। वहीं कांग्रेस नेत्री रश्मि चौधरी ने मेयर द्वारा की गई हरकत को शर्मनाक बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर जनप्रतिनिधि पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, अगर महिला को इंसाफ नहीं मिलता तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और एक बड़ा आंदोलन करेगी। हमारे रुड़की में अभी लिटरली एक कांड हुआ है कि महिला के साथ में जो यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं कि जिनसे पूरी जनता में रोष है। जो इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। और मैं महिला कांग्रेस के होने के नाते और मैं महिला आयोग में भी रही हूँ, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं पीड़ित महिला के साथ में खड़ी हूँ और मैं शासन प्रशासन से भी बात करूँगी और पूरा न्याय दिलाऊंगी उसको। दूध का दूध पानी का पानी होगा कि जबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कंडवाल का एक अमर्यादित भाषा में अधिकारी को हड़काने का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा विधायक शुगर मिल के अधिकारी गुप्ता को अमर्यादित भाषा में हड़काते हुए सुनाई दे रहे हैं। यहां तक कि विधायक अधिकारी को धमकाते हुए कह रहे हैं कि वो वहीं आ रहे हैं, और वह विधायक हैं तो अधिकारी के पास उनका नंबर क्यों नहीं है। हेलो हेलो, हाँ जी, मेरा नंबर नहीं गया तुम्हारे पे गुप्ता जी। है जी, मेरा नंबर नहीं गया तुम्हारे पे? नहीं, आपका नंबर नहीं है, कौन बोल रहे हैं? क्यों नहीं है मेरा नंबर तुम्हारे पे? और तुम आधा घंटा लगा रहे हो बात करने में।
कौन बोल रहे हो भैया? देशराज कड़वाल बोल रहा। बताओ क्या बात? झूठ बताते हैं, 20 बार मैंने बता दिया, वही हो क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं नहीं जानता आपको, बताओ। अरे गुप्ता जी बोल रहा है तू? हाँ, लक्ष्मी चुगन मिल वाला। हाँ बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ। तो तेरे तू क्षेत्रीय विधायक हूँ मैं यहाँ का, तू नहीं जानता मुझे? नहीं मैं तो नहीं जानता। जाने का मैं आ रहा हूँ, इश्यू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। आपको बता दें कि इससे पहले भी झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कंडवाल के कई अभद्र और अमर्यादित ऑडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन अनुशासन का दम भरने वाली भाजपा कभी उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। हालांकि प्रदेश संगठन अभी इस वायरल ऑडियो की जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कर रहा है, पर अमर्यादित भाषा पर खेद भी व्यक्त कर रहा है। देखिए, पहले तो उस वायरल वीडियो की जांच करनी पड़ेगी कि वास्तव में वो उनका है कि नहीं है, और जहाँ तक विषय है तो उन्होंने ये कहा है कि वो आपको नहीं पहचानते हैं कि उस क्षेत्र में रहने वाले जिस क्षेत्र के विधायक हैं देशपाल कर्णवाल, तो उन्होंने उस शुगर मिल वाले को कहा है कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो, तो वास्तव में उस तरफ से वो जो इसमें है, अब सत्यता कितनी है तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन वो भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं आपको, तो इस तरह से जनप्रतिनिधियों का तो उसने भी अपमान किया है। लेकिन जो अगर इस वीडियो को वायरल वीडियो को जो हम देख रहे हैं तो हो सकता है इसकी जब जांच होगी देखेंगे, लेकिन अगर असत्य शब्दों का प्रयोग किया है तो वो उचित नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे पर भाजपा संगठन की ओर से सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि जब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता हो तो उनके विधायकों से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। देखिए, आज एक ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल जी का है। ये ऑडियो किस संदर्भ में है इसकी तो मुझे कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा की मर्यादा का भान होना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भाजपा विधायक इसमें एक शुगर मिल अधिकारी को गरियाते हुए हड़काते हुए देखे गए हैं अमर्यादित अनर्गल भाषा में, लेकिन जब उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की अशिष्ट और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में उसी दल के विधायक से शालीनता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, देहरादून। मसूरी में देहरादून मसूरी पुरकल रोपवे में एक बार फिर शिफन कोट से बेघर हुए 84 परिवारों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सोमवार को पुरकुल रोपवे प्रोजेक्ट के तहत मुख्य द्वार पर गेट लगाया जा रहा था, जिसका शिफन कोट के लोगों ने विरोध किया और गेट को लगने से रोक दिया। विरोध के बाद मसूरी पुलिस कोतवाल देवेंद्र असवाल के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस, शिफन कोट से बेघर हुए लोग और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शिफन कोट से लोगों का यह कहना था कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए लगाकर पुरकुल रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, परंतु 84 परिवारों को बेघर करके सड़कों पर छोड़ दिया गया है। आज उनके बच्चे और महिलाएं परेशान हैं, यहां तक कि वो परिवार अब हवा घर में रात गुजारने को मजबूर हैं, पर ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अधिकारी उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। क्यों उठ रहा सर की? देखो अभी 5 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी हमारे किसी ने संज्ञान ले लिए, हमको तो एक इन्होंने फुटबॉल जैसा बना दिया है। इन्होंने कहा कि हम आपको जो है 15 दिन, माननीय विधायक जी ने कहा था कि 15 दिन में आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, आज 15 दिन के बजाय 5 महीने पूरे हो गए। माननीय चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि मैं जमीन दे दूंगा, कहाँ वो जमीन चले गई, कहाँ हमको इन्होंने विस्थापित कर दिया। आज भी हमारे इतने बुरे हाल हो रखे हैं सर जी कि हम बता नहीं सकते, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे ये माता बहनें इतनी परेशान हो रखी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी है, ना इनके पास इनको ना सुविधा कुछ भी नहीं, ना नहाने की सुविधा है, ना टॉयलेट जाने की सुविधा है। हमारे बच्चे आज इस कोरोना काल में भी जो है हवा घर में और रोड में रहने में वो हैं, परेशान हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भी अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों से वे परेशान हैं और घर से बेघर हैं, परंतु सिर्फ आश्वासन के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 56 करोड़ वासियों को मैं घर बना के दूंगा और इनको 2-2 लाख रुपए दूंगा, इन्होंने बोला था, अखबार की कटिंग भी है, पर इन लोगों ने हमको ना कुछ घर बना के दिया ना कुछ दिया। आज हमको जो है यहाँ पर दर दर की ठोकरी खानी पड़ी और ये कोरोना काल में हमको जो यहाँ से सड़क में निकाल दिया, यहाँ 56 करोड़ तोड़ करके, अब हम 56 करोड़ से हटने वाले नहीं है। मसूरी में सर्दी का सितम है और ऐसे में वह सड़कों के किनारे अपने छोटे बच्चों के साथ रात गुजारने को मजबूर हैं। उनको कहना है कि वो रोपवे का कार्य तभी शुरू होने देंगे जब उनको विस्थापित किया जाएगा, नहीं तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
हमारी रणनीति ये है सर, हम तब तक, अब ये है कि जब तक हमको छत नहीं मिलती है हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे इसलिए हमें अपना खून बहाना पड़े चाहे अपना कुछ भी करना पड़े, हम तैयार हैं। अब उग्र आंदोलन होगा और कुछ नहीं होगा। जो उत्तराखंड में वर्तमान जो शासन प्रशासन है, उत्तराखंड सरकार है, हम साथ ही उत्तराखंड सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि हम जो पिछले 6 महीने से जिस प्रकार से आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम इसको एक नया उग्र आंदोलन करते हुए उत्तराखंड शासन और प्रशासन को ये चीज़ हम बताएंगे। We'll be right back.